champion. Easy, 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 easy. Are you okay? Yes. Hi, my name's Rishi. आपका नाम? नहीं है नाम? मम्मा ने कहा है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, ना दोस्ती. पर आपकी मम्मा को ये नहीं पता कि मैं भी इसी बिल्डिंग में रहता हूँ और आपका नेबर हूँ. इस बिल्डिंग में? लेकिन इस बिल्डिंग में तो मैंने आपको कभी नहीं देखा. मैं पिछले 2 साल से बाहर गया हुआ था और अभी वापस आया हूँ. और आई थिंक उससे पहले आप यहाँ नहीं थे. 404 मिस्टर एंड मिसेस शर्मा मेरे मॉम डैड है. दादा और दादी आपके मॉम डैड है? दादा और दादी? मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं. अच्छा एनीवेज यार ये ठीक नहीं है यार. क्या? एक ही बिल्डिंग में दो दो चैंपियन. बहुत नॉनसाफी है मेरे दोस्त. मतलब ये कि जब मैं आपकी एज का था ना तो मैं भी स्केटिंग चैंपियन था. तो मैं भी इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर करके स्केटिंग चैंपियन बना. नाउ डू यू वांट टू नो हाउ टू मास्टर स्केटिंग? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आर्ट ऑफ बैलेंसिंग. अगर आपने बैलेंसिंग सीख ली तो तू भी मेरी तरह चैंपियन बन सकता है यार. पर क्या है ना, जब मैं स्केटिंग करता था तब मेरे पास कोई सिखाने वाला ही नहीं था. लेकिन तू बहुत लगी है यार. कुछ कैसे? कैसे? क्योंकि तेरे पास एक ऑलरेडी स्केटिंग चैंपियन है तेरे को कोच करने के लिए. सीखना चाहेगा मुझसे? ये ओके ग्रेट. पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार, मेरी फीस लगेगी. ओहो इतना भी मुंह मत उतार यार, एक आइसक्रीम खिला दियो हफ्ते में, इतना भी नहीं कर सकता. ओके ग्रेट. नाउ रिमेम्बर वन थिंग, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्पोर्ट. कल से शाम 5 से 6 बजे और लेट नहीं होना. ओके सर. ओके नाइस मीटिंग यू. बाय. दो साल बाद आया मेरा बेटा, पता नहीं किस किस की नजर लग गई होगी. माँ तेरा मेलो ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ. यूएस से आओ जंग लड़के नहीं, प्लीज माँ. जब बच्चे माँ बाप की आंखों से दूर होते हैं ना तो वो समय किसी जंग से कम नहीं होता बेटा. और दो चीजें और बहुत मिस की, एक आपका मेलो ड्रामा और दूसरा आपके हाथ का बना खाना. माँ अब मेलो ड्रामा तो हो गया, खाना खिलाओ तो बहुत भूख लग रही है. माँ टेंशन मत ले, सब कुछ तेरी पसंद का बनाया आज. लव यू माँ, आई लव यू. ठीक है ना बेटा जी. वो एक्चुअली आंटी वो ये सामान लेके आ रही थी मैं. आप ना आंटी एक बार लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, कुछ रहता नहीं क्या? एक सेकंड. पनीर प्याज मैं आप ना एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं कल ले आऊंगी. हाँ अंकल. ला ला मेरे को दे. ला. ऋषि बेटा ये है नीतू, ये सामने वाले घर में रहती है और एकदम बेटी की तरह हमारा ख्याल रखती है. और नीतू ये है हमारा बेटा ऋषि. ओह हाय. हाय नीतू जी. अंकल वो मैंने ना आपके फोन में जो आपने कहा था ना न्यूज और स्टॉक एक्सचेंज वाले एप्स डाल दिए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा. चलो बहुत बढ़िया हो गया, अब मेरे सारे काम फोन पे हो जाएंगे. थैंक यू बेटा. यू आर वेलकम अंकल. नीतू जी थैंक यू बोलने से तो होगा नहीं, बट आई ओ यू बिग टाइम आपने जो भी मेरे मॉम डैड के लिए किया. अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, तो ऐसे ही कहते. अरे वो भी तेरी प्रैक्टिस है चिराग. हे चैंप वी मीट अगेन. हाँ ये चिराग नीतू का बेटा, तू कैसे जानते है? मैं ये नीचे स्केटिंग कर रहा था, मैं उसे अभी मिला. अब तो हम स्ट्रेंजर्स नहीं रहे ना. कल शाम 5 बजे स्केटिंग प्रैक्टिस. ओके बी ऑन टाइम, डोंट बी लेट. एक्चुअली इसका नेक्स्ट मंथ स्केटिंग कॉम्पिटिशन है, इसलिए सारा दिन प्रैक्टिस ही करता रहता है, मगर होमवर्क फिनिश नहीं किया है इसने. हाँ सारा होमवर्क बाकी है. आंटी मैं ना इसका होमवर्क फिनिश करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ब्राउनीज बनाएंगे. चल बाय दादा. बाय दादी. बाय. चल ऋषि चल. माँ ये 402 वाली क्या नाम है इसका? नीतू. हाँ नीतू अच्छी लड़की लगती है माँ, काफी टाइम से रह रही है यहाँ पे. आप लोगों का काफी ख्याल रखा है मेरे पीछे से. बिल्कुल बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह रखती है हमें, बहुत ही होशियार है. ऑफिस घर चिराग सबका एफिशिएंटली ख्याल रखती है, बहुत ही हिम्मत वाली बच्ची है वो. एक अकेली माँ किसे कहते हैं, कोई उससे सीखे. अकेली मतलब नीतू का हस्बैंड चिराग के डैड नहीं है क्या? बाप बाप के नाम पे धब्बा है वो.
चिराग को थोड़ा कम सुनाई देता है एक कान से, बस उसी के बहरेपन को नीतू की गलतियां समझता है। उसे तो बहाना चाहिए उससे अलग होने का, हो गया। और नीतू डिवोर्सी होने के बाद भी माथे में एक शिकन नहीं है, हर काम हिम्मत से करती है। इसी बच्चे की हिम्मत सबको समझनी चाहिए। तभी कहते हैं ना, शादी ब्याह के मामले बहुत ध्यान से करने चाहिए, वरना एक गलत रिश्ता और उम्र भर रोना पड़ता है। अब मैंने भी कुछ फोटो सिलेक्ट किए हैं, तू भी देख ले, लड़कियों से मिल ले तो अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं बेटा। ओके माँ। अभी अभी तो लड़का घर पे आया है, देख लेगा तुम्हारे वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को, पहले खाना तो दो इसको। आपको तो बस खाने की पड़ी रहती है। और ऋषि तू बेटा, तू 28 साल का हो गया है, तू भी एक अच्छी सी लड़की देख के उससे शादी कर ले। कर लूंगा माँ, कर लूंगा, अभी आया हूँ माँ वापस। गुड मॉर्निंग। आगे बेटा तू। जी। अरे नीटू बेटा, वो अपनी आंटी को वो ब्राउनी बनाना तो सिखा दे, उसके बाद मेरा सोशल मीडिया पे एक अकाउंट तो बनवा देना। अच्छा लगता है। नहीं सोचता, तू इन्हें छोड़ बेटा, तू चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है, चल। फेसबुक है ना वाला, आंटी अंकल को फेसबुक अकाउंट खोलना है। क्या बात है डैडी, सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह क्या चल रहा है? अब भाई आईटी इंजीनियर के बाप है तो थोड़ा तो बनता ही है। खैर छोड़ उसको, तू अपना बता, वो तुम्हारी ट्रांसफर का क्या हुआ? चल रहा है डैड, अभी 1-1.5 महीना लगेगा। हाँ। लेकिन अगर ऑफर लेटर आया तो बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ। अभी लेकिन 1-1.5 महीना आपके घर पे रहूंगा मैं और खाना खाऊंगा। तुम लेट हो, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके ऋषि, गुड बॉय। चलो अब पुट योर स्केट्स ऑन। ठीक है, नाउ कॉन्सेंट्रेट, और बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, टेंशन नहीं लेना। ओके चलो नाउ स्ट्रेट दिस लाइन, ओके बैलेंस योरसेल्फ, ठीक है, एंड बॉडी आगे नहीं पीछे नहीं, बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट। ओके चल, कम ऑन, गो स्टार्ट, गुड, वेरी गुड। ओह शिट, ओह शिट, चिराग 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 चिराग, अरे यार इज अ स्ट्रांग बॉय, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, चल चल आ जा आ जा। थोड़ा सा बाकी है चिराग, यू गोना प्रॉमिस मी समथिंग, ओके यू गोना प्रॉमिस मी यू गोना बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके? एक्चुअली गलती उसकी नहीं है, आई शुड हैव, ओह कम ऑन, इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू वर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, बच्चे हैं खेलते हैं तो गिरते हैं। जी चिराग इज अ वेरी स्मार्ट किड, ही इज वेरी गुड एट स्केटिंग, बट कभी कभी देयर इज समथिंग, मतलब ही लूजेस हिज कंसंट्रेशन, पता नहीं क्यों, मतलब आई कैन सी इट, और आज भी यही हुआ, ही लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन एंड ही फेल, आई डोंट नो व्हाई, इज देयर समथिंग, मतलब ये देखो एक और शॉट। चिराग ये कैसा लगा तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही लग गया। चिराग यूवी ने किया, अभी पिछले हफ्ते तो मैंने प्रिंसिपल से बात की थी, बताओ मुझे क्या हुआ? ए पट्टू, तूने फिर से अपनी मम्मी को मेरे बारे में शिकायत की? तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? पता भी है मेरे पापा कौन है? वो स्कूल के ट्रस्टी है, तुझे 1 मिनट में स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा, फिर क्या करेगा? मम्मी के पास जाके रोएगा, पापा को बुलाएगा, ओली 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 ओली। अरे पर तेरे पापा भी नहीं है ना? मेरे पापा है। अच्छा, अगर तेरे पापा है तो आज तक कभी दिखे क्यों नहीं? लास्ट ईयर फादर्स डे पे कहाँ थे? मैंने